स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी कई चेहरे ऐसे हैं जो आज भी जीवंत दिखाई देते हैं। ये वे विभूतियां हैं जिनके नाम सुनते ही उनका व्यक्तित्व सामने आ जाता है और रगों में जोश भर देता है। उन्हीं में से एक हैं अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, जो अंग्रेजी शासन के घोर अंधकार में आशा की एक किरण थे। उन्होंने एक बार जो क्रांति का रास्ता अपनाया तो अंतिम सांस तक उसी मार्ग पर चले। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश में अलीराजपुर जिले के भावरा में हुआ था। महज 14 साल की उम्र में आजाद गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूदकर आजादी की लड़ाई के योद्धा बन गए। स्वाधीनता के अमृत महोत्सव में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती पर राजधानी भोपाल में राज्य स्तरीय यूथ महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। होते हुए यहाँ से भावरा जाएंगे, वहाँ की माटी लेके और फिर वापस लौटेंगे। वो पवित्र माटी सही सॉरी पार्क में रखी जाएगी और उसी माटी को माथे पे लगा के यूथ महापंचायत सोचते ही अपने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, क्रांतिकारियों के सपनों को पूरा करने के लिए, प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं। विचारों का मंथन होगा, उससे अमृत निकलेगा जिसको हम जन जन में बांटने का प्रयास करेंगे। मेरी बहुत शुभकामनाएं। यूथ महापंचायत का मकसद शहीद चंद्रशेखर आजाद की विरासत को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के उत्साही युवाओं को साथ लाकर एक मंच प्रदान करना है, ताकि वे राज्य, देश और दुनिया की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों की पहचान कर हर संभव समाधान सुझाएं। साथ ही युवाओं के अभिनव विचारों से आत्मनिर्भर और स्वर्णिम मध्य प्रदेश के निर्माण में युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित करना है। राज्य स्तरीय यूथ महापंचायत में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से 51,000 से अधिक युवाओं ने ऑनलाइन पंजीयन कराया था। इसके बाद 18 जुलाई को जिला स्तर पर यूथ पंचायत आयोजित की गई, जिसमें स्क्रीनिंग के माध्यम से यूथ महापंचायत के लिए युवाओं का चयन किया गया। दूसरी तरफ 21 जुलाई को भोपाल से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अमर शहीद आजाद की जन्म स्थली अलीराजपुर जिले के भावरा के लिए निकले युवा बाइकर्स का जगह जगह पुष्प वर्षा और देशभक्ति के नारों से स्वागत किया गया। रैली द्वारा आजाद की जन्मस्थली की मिट्टी से भरे कलश को भोपाल लाया गया। इसके बाद आज इस ऐतिहासिक यूथ महापंचायत के हम सभी साक्षी बन रहे हैं।